सात जुलाई सूर्य की तरह चमकने वाला आज है रविवार। कुंडली में बन रहा हर्षण योग आपको खुश रखेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग से आपके काम सधेंगे और बिगड़े काम भी आज बनेंगे। चंद्रमा राहु का नवम पंचम राजयोग खर्चों में कमी लाने के लिए आपकी जो कवायद है या रूपरेखा है वो आज काम आएगी। चंद्रमा और सूर्य का द्विद्वादश का संबंध शारीरिक तनाव दे सकता है। नौकरी में तरक्की और कामयाबी के लिए नवरात्रि के दूसरे दिन आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान भी जानेंगे। सूर्य शुक्र की युति अगर आपकी 11th हाउस में तो क्या होगा इसका प्रभाव। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 7 जुलाई रविवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज भगवान जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का दिन है और दूसरा आज नवरात्रि का दूसरा दिन भी है। पहले बात करते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन की। आज के दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। गुप्त नवरात्रि पूजा गुप्त तरीके से करनी चाहिए। सामान्य नवरात्रि की तुलना में अधिक तांत्रिक और गुप्त साधनाओं के लिए दिन श्रेष्ठ माना जाता है। गुप्त नवरात्रि मुख्यतः तंत्र साधना और किसी प्रकार की विशेष सिद्धि और धार्मिक महत्व को बढ़ाती है। प्रिय साथियों, दूसरी बात, आज भगवान जगन्नाथपुरी जी की रथ यात्रा के दिन है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के रथों को मंदिर से गुड़िचा मंदिर तक ले जाया जाता है। यह यात्रा भगवान जगन्नाथ के भक्तों को उनके दर्शन का अवसर प्रदान करती है। अवतार का प्रतीक रथ यात्रा भगवान विष्णु जी के अवतारों का प्रतीक भी है। यह यात्रा भगवान जगन्नाथ की धरती पर आने और अपने भक्तों के बीच रहने का प्रतीक माना जाती है। राशिफल की शुरुआत से पहले एक जानकारी, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 7 जुलाई को नोएडा हूं, 13 जुलाई बेंगलुरु, 14 जुलाई को चेन्नई और हैदराबाद, 19 जुलाई को मुंबई, 20 जुलाई नासिक, 26 जुलाई जयपुर, 27 जुलाई गुड़गांव गुरुग्राम, 28 जुलाई काठमांडू और अगस्त महीने में मैं सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर जा रहा हूं। आप चाहें तो यहां पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा जुड़ सकते हैं। 21 जुलाई गुरु पूर्णिमा पर आप मुझसे गुरु दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं और मैं आपसे एक मिनट तक फोन पर आपकी समस्याओं के लिए बात भी करूंगा। 22 जुलाई से श्रावण मास प्रारंभ हो रहे हैं जिसके लिए हम विशेष पंडितों के द्वारा आपके लिए विशेष पूजन करेंगे। आप अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र हमें जरूर भेजिए, हम पूरी जानकारी के साथ आपको भेजेंगे। प्रिय साथियों, चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज पूरे दिन द्वितीय तिथि रहेगी और आज पूरे दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा, जिसका एक विशेष मैंने कार्यक्रम भी बनाया है जिसे आप जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुधादित्यों का साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन हर्षण और सर्वार्थ सिद्धि दो नए राजयोग भी बन रहे हैं। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शस्यों का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज भी अपने घर में रहेंगे कर्क राशि में। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो आज भी दो बार मिलेंगे, सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 लाभ और अमृत का, और दोपहर को 2 से 3 बजे तक शुभ का चौकड़िया रहेगा। कोशिश करेगा दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न किए जाए। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। घर की किसी टूट फूट, देखरेख, रिनोवेशन या कुछ भी खराब है उसे ठीक करने के लिए आज आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स की सिचुएशन आपके लिए थोड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है और बिजनेस पर्सन को अपनी पैनी निगाह काम के साथ साथ विरोधियों पर भी रखनी होगी क्योंकि वो आपको हानि पहुंचाने का प्रयास करें। जॉब करने वाले लोगों को वर्क प्लेस पर प्रमोशन और सैलरी बढ़ाने के बारे में आज कोई बात नहीं करना चाहिए वरना टेंशन बढ़ जाएगी। जो लोग टारगेट बेस जॉब करते हैं, ये टारगेट पूरा करना ही है, उन एम्प्लॉयज को हर काम के लिए जो है डेडलाइन तय करनी चाहिए और एडी से चोटी तक का जोर आपको लगाना पड़ेगा, तब जाकर कहीं काम हो पाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ शब्द अच्छे रखिएगा तो दिन अच्छा गुजरेगा। घर में किसी मेहमान का आना या आपका मेहमान बनकर किसी और के जाना, दोनों स्थिति में आपकी जेब आज ढीली होने वाली है। आपको मिलने वाले अवसर बुनाने के लिए लगन के साथ काम करिए, जॉइंट पेन और मसल पेन आपको परेशान कर सकते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार के मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं, पुलिस, फौज, प्रशासन, एडमिन सर्विसेज की पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा कठिन रहेगा। अनुभवी लोगों की सलाह आपके काम आ सकती है। वृषभ राशि, दोस्त, यार और रिश्तेदार जिसके साथ अच्छा लगता है आज उसके साथ ज्यादा रहिए, मदद करना, मदद लेने से काम चलेगा। जो लोग ऐप डेवलपर हैं, वेब डेवलपर हैं, सोशल मीडिया का काम करते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं, उन लोगों के लिए आज का दिन बड़ा अच्छा है। बिजनेस पर्सन के लिए दिन शुभ संकेत लेकर आ रहा है, धन लाभ से आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।
वर्क प्लेस पर आपके काम के साथ साथ सीनियर को इंप्रेस करना न भूलें। सेहत को लेकर अलर्ट रहें, वरना गले में तकलीफ या कोई बुखार या कमजोरी परेशान कर सकती है। संडे को फंडे बनाने के लिए लव पार्टनर लाइफ पार्टनर के साथ वाणी का जादू चलेगा। सोशल लेवल पर आप अपने काम को कॉन्सेंट्रेट होकर ही कर पाएंगे, लापरवाही से नुकसान होगा। हायर एजुकेशन के लिए या विदेश जाना किसी और काम के लिए, जॉब प्रोफेशन या बिजनेस के लिए, तो आज के दिन पूरी तैयारी करने के लिए शुभ दिन है। कहीं से कोई अच्छा ऑफर भी मिल सकता है। ड्राइव करते समय नियम कायदे कानून को फॉलो करें, वरना चोट दुर्घटना की हल्की संभावना है। मिथुन राशि, खर्चे बढ़ने वाले हैं, लेकिन सही निवेश के लिए आज प्लान करिए। बिजनेस में किसी भी तरह की डील करते समय लीगल अवेयरनेस जरूर रखिएगा। बिजनेस पर्सन एक बात को जान लें कि बिना हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के आज आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। सर्वार्थ सिद्धि और हर्षण योग के बनने से अनएम्प्लॉयड पर्सन को जॉब के ऑफर मिल सकते हैं। आज अप्लाई करना भी शुभ है। और जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में स्थिति को सामान्य बनाने के लिए मौन रहना पड़ेगा और अवसर को बुनाना होगा। वर्तमान समय में न्यू जनरेशन को पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए, ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े और बेहतर प्रेजेंटेशन आप कर पाएं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में दिन आपके लिए रोमांच और रोमांस भरा रहेगा। सोशल लेवल पर नॉलेज के साथ आपकी चर्चा भी सार्थक रहेगी। फैमिली के साथ किसी रिलेटिव के यहाँ जाना या उनका आपके यहाँ आना, दोनों ही शुभ हो सकता है। जो पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, मास कम्युनिकेशन का काम कर रहे हैं, मीडिया की पढ़ाई कर रहे हैं, उन स्टूडेंट के लिए आज का दिन बड़ा शानदार है, लेकिन शाम को थोड़ी परेशानी आ सकती है। पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में आज ट्रैवल अचानक से प्लान बन सकता है। कर्क राशि, मन को शांत और जुबान को आराम ही आपका दिन बेहतर बनाएंगे। सर्वार्थ सिद्धि और हर्षण योग के बनने से बिजनेस को मार्केट में पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट को लेकर पहचान मिलेगी। जो लोग ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं, मैट्रिमोनियल साइट्स चलाते हैं, कैटरिंग का बिजनेस करते हैं, वेडिंग प्लानर है, फूड एंड बेवरेजेस, होटल रेस्टोरेंट स्पा सलोन जिम वाले लोगों के लिए उन्नति दिलाने वाला दिन है। वर्क प्लेस पर काम करते हुए ऑनलाइन गैजेट्स से थोड़ी दूरी बनाएंगे तो बेहतर रहेगा। जॉब करने वाले लोगों को प्रेजेंटेशन को और बेहतर तरीके से तैयार करना चाहिए, क्योंकि बॉस सीनियर आपके काम पर पैनी नजर गड़ाए हुए हैं। आपको ट्रैवल करने का मौका मिलने वाला है, उसे हाथ से न जाने दें। सोशल लेवल पर आपकी काबिलियत ही अच्छी पहचान बनाएगी। जो लोग SSC की पढ़ाई कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रकार के GRE की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए थोड़ी परेशानी आ सकती है। फैमिली में आप किसी बात को लेकर आज सहमत नहीं रहेंगे। आप किसी भी काम को करवाने के लिए आत्मविश्वास के साथ भरे हुए रहेंगे, लेकिन थोपने की कोशिश मत करिए, काम करवाने के लिए जिद मत करिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर का आज आपको सहयोग मिलेगा और थोड़ा सरप्राइज भी मिलने वाला है। प्रिय साथियों, आइए अब चार राशि के बाद आज के गुरु मंत्र बात करते हैं कि नवरात्रि के दूसरे दिन नौकरी जॉब और करियर में तरक्की के लिए आज विशेष उपाय करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर जल में एक चुटकी सिंदूर और लाल पुष्प और बिना टूटे हुए चावल मिलाकर ओम घृणी सूर्या नमः बोलते हुए सूर्य को अर्घ्य दीजिए। अपने और परिवार के बाकी सदस्यों के माथे पर चंदन का तिलक लगाइए। दिन में या रात के भोजन में नमक को एक समय अवॉइड करिए। साथ ही किसी असहाय जो व्यक्ति की मदद कर सकते हैं उनकी मदद करिए। किसी रोगी या किन्नर को मेडिसिन या उनके काम की चीज गिफ्ट देना आपके लिए पुण्यदायक रहेगा। सिंह राशि, बढ़ते खर्च और आमदनी की कमी आपको परेशान कर सकती है। आपके आलस्य, लेट लतीफी, आर्ग्यूमेंट और मिसमैनेजमेंट से गड़बड़ी हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकते हैं, इसलिए अपने संबंधों और संपर्कों को साध कर रखिए। जो लोग किसी मशीन का बिजनेस करते हैं, लेबर की डीलरशिप का काम करते हैं, डेकोरेशन का काम करते हैं, घर से काम कर रहे हैं, फूड एंड बेवरेजेस, होटल रेस्टोरेंट, टूर्स एंड ट्रेवल का काम करते हैं, उन लोगों की छोटी चूक बड़े ग्राहक को आपसे दूर कर सकती है। अनएम्प्लॉयड पर्सन को जॉब के लिए अभी और प्रयास करने होंगे और एम्प्लॉयड पर्सन को वर्क प्लेस पर संभल कर रहना होगा। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस के काम में अपनी सीमा को लांघने की कोई कोशिश न करें, वरना प्लानिंग सारी धूमिल हो जाएगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ विवाद बढ़ सकता है, इसे शांत करिए। जो लोग इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं, उनका ध्यान आज भटकेगा। बच्चों से अगर कोई गलती हो जाती तो माँ बाप को क्रोध में बुरे शब्द बोलने से बचना चाहिए। काम में भली भांति समझदारी जरूर आपको दिखानी है। फ्यूचर में भले ही लाभ न हो, लेकिन आज अपने छोटे लाभ के लिए बड़ी हानि आप करने जा रहे हैं। फैमिली में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद बढ़ सकता है। सेहत के मामले में आप थोड़ा योग, प्राणायाम और मेडिटेशन करके दिन की शुरुआत करिए। कन्या राशि, आपका प्रॉफिट किस में है? बिस्तर से उठते वक्त आप योजना बनाकर दिन गुजारिए।
पार्टनरशिप में बिजनेस अभी नहीं करें और कर रहे हैं तो पार्टनर साथ सिर्फ अच्छी बात करें। होम क्लीनिंग सर्विस करने वाले लोग, कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडर, फ्रीलांसर और लाइजर के लिए आज का दिन बड़ा शानदार। जो लोग सोशल मीडिया पर यूट्यूबर है या किसी प्रकार के सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, उन लोगों के लिए बहुत शुभ दिन है। डिसीजन लेने से पहले अनुभवी लोगों से विचार विमर्श कर लें और आंख खोलकर काम करें, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करें। हर्षण और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से वर्क प्लेस पर प्रमोशन और ट्रांसफर की फाइल आगे बढ़ेगी। एम्प्लॉयड पर्सन के ऑफिस में आज अगर किसी प्रकार की दुविधा है तो बॉस से वन टू वन अकेले में बात करिए। किसी से झगड़ा है, कुछ बोलना है तो अकेले मुझे समझाइए। सामाजिक कार्यक्रम पर दिन आपके लिए कुछ समस्याओं भरा रहेगा, यानी जो आपके विरोधी हैं वो आपके काम में टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में धीरे धीरे सही लेकिन स्थिति सामान्य होगी। फैमिली में हो रहे विवाद में किसी नए व्यक्ति की एंट्री आज हो सकती है। परिवार की गर्भवती महिलाओं को बहुत ज्यादा आज ध्यान देने की जरूरत है। आप पुराने किसी गलती से अगर आज नहीं सीखेंगे तो एक नई गलती करेंगे और अपनी गलती को नहीं स्वीकार करना एक नई गलती की शुरुआत होती है। गवर्नमेंट जॉब के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं आज उनको घर से दूर रहकर पढ़ाई करनी चाहिए। तुला राशि, आपकी जॉब क्या है, आपका क्या काम है, आप दिन भर किस काम से गुजारते हैं, उसमें थोड़ा सा बदलाव लेकर आइए वरना अनबन किसी से हो सकती है। बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए नई टेक्नोलॉजी, नए लोगों को लाने के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है। जो लोग होम्योपैथी डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, बुटीक चलाते हैं, फैशन पैशन का काम करते हैं, किसी प्रकार के थेरेपीज करवाते हैं, उन लोगों के लिए आज का दिन बहुत शानदार है। वर्क प्लेस पर आपके हाथ तो सफलता लगेगी लेकिन आज कुछ परिवर्तन जरूर होगा। एम्प्लॉयड पर्सन को भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए क्योंकि भाग्य खुद आपके ही भरोसे है। सेहत के मामले में आप लकी हैं इसलिए एक्स्ट्रा और एडवांस में काम करिए। राजनीति या षड्यंत्र आपके खिलाफ कोई कर सकता है, अलर्ट रहना होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के बीच हुई मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होने से रोमांच और रोमांस बढ़ेगा। इंजीनियरिंग, लॉ और मैनेजमेंट के स्टूडेंट को हर टास्क को समय पर कंप्लीट करने के लिए पुरजोर कोशिश करनी होगी। संडे को फंडे बनाने के लिए ट्रैवल और स्पिरिचुअल यात्रा भी आज संभव है। वृश्चिक राशि, भाग्य को चमकाने के लिए आज कुछ नहीं करें, बस लगातार काम करते जाएं और किसी की मदद करने मौका मिले तो चूकिएगा मत। मैन्युफैक्चरिंग जो बिजनेस करते हैं, डोमेन बिजनेस करते हैं, स्पोर्ट्स शॉप चलाते हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसी चलाते हैं या खाने पीने का कोई काम करते हैं, उन लोगों के लिए आज का दिन बड़ा शानदार है। नए लोगों को जोड़ना चाहिए क्योंकि मैन पावर की कमी आपको परेशान कर सकती है। जॉब करने वाले लोगों को जॉब को लेकर आज सेटिस्फेक्शन लेवल थोड़ा कमजोर रहेगा और विरोधी आपके काम में टांग अड़ाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को करियर के फील्ड में उत्तम सफलता मिलेगी और आपके हाथ नए अधिकार आएंगे। स्पोर्ट्स पर्सन की डिटर्मिनेशन पावर के बढ़ने से ट्रैक पर आज आपकी परफॉर्मेंस आने वाली है। मुश्किल समय में परिवार आपका साथ देंगे और परिवार के बिना हम सब अधूरे हैं। फैमिली में किसी के स्वास्थ्य को लेकर आपकी वजह से परेशानी बढ़ सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ आज हर मोड़ पर आपको मिलेगा। सोशल लेवल पर आपकी पहचान आज बढ़ने वाली है, मान सम्मान भी मिलेगा। मौसी, बहन और ननिहाल से संबंध सुधारने होंगे। संडे को फंडे बनाने के साथ आज स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जुड़ेंगे और घर में भी वातावरण अच्छा बना पाएंगे। आइए अब आठ राशि बाद मैथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि क्यों नहीं रखने चाहिए झूठे बर्तन रात को रसोई में। देखिए, झूठे बर्तन रखना कई लोगों के लिए आम बात है लेकिन झूठे बर्तन नहीं छोड़ना हमारे यहाँ बनाई गई इसके पीछे वैज्ञानिक कारण की भी एक रूपरेखा है कि रात को घर में झूठे बर्तन रखने से बर्तनों में छोटे छोटे बैक्टीरिया जन्म ले लेते हैं और रात भर में उनकी संख्या तेजी से बढ़ने लगती है। सुबह इन बर्तनों की सफाई करने पर भी इनमें बैक्टीरिया रह जाते हैं जो बीमारियों का कारण बनते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भी रात को झूठे बर्तन छोड़ना निषेध माना गया है क्योंकि इससे घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है और खाना ही घर में लक्ष्मी जी के वास के रूप में देखा जाता है तो लक्ष्मी जी भी रूठ जाती है। इससे एक नकारात्मक ऊर्जा होती है। अब आपके आसपास कीचड़ में देखोगे तो गंदगी पड़ी रहेगी तो आपका भोजन में काम करने मन नहीं रहेगा, सकारात्मक ऊर्जा की हानि होने लगती है। इसलिए घर में आपको रात को ही किचन को साफ करना चाहिए और बर्तन धोकर ही आपको अपने दिन की जो पूरी है दिनचर्या है उसे पूरा करना चाहिए। धनुराशि, अपने ददियाल से संबंध आपको सुधारने होंगे वरना तीखी नोकझोंक हो सकती है। जो लोग इंटीरियर डिजाइनर हैं, फैशन पैशन और मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए। जो लोग कोच हैं, सोशल मीडिया पर कंसल्टेंसी देते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट करते हैं, ऐसे लोग जो फ्रीलांसर और सर्विस प्रोवाइडर हैं, मिस मैनेजमेंट से गड़बड़ हो सकती है। अनएम्प्लॉयड पर्सन के हाथ जॉब के प्रयास आज सफलता कम ही दिलाएंगे लेकिन प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन को
अपने काम पर भरोसा होना चाहिए। अचानक आपके काम पर भार बढ़ जाएगा। को वर्कर्स का साथ आपको हो सकता है कम मिले, लेकिन आप लगातार प्रयास करोगे तो जल्दी फ्री होकर संडे को फंडे बना पाएंगे। फैमिली में छोटी छोटी बातें होती रहती है, अपने आप को बड़प्पन दिखाने के लिए तैयार करिए। आप अपने से बड़े लोगों का ध्यान आज ज्यादा रखिए और सम्मान भी करिए, उनका मार्गदर्शन आपके लिए प्रेरणा लेकर आएगा। आलस्य के चलते स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स के काम आज थोड़े डिस्टर्ब हो सकते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ झूठा भरोसा मत दीजिएगा, झूठ बोलकर आप फंस जाएंगे। सोशल लेवल पर आपके खिलाफ कोई पॉलिटिक्स कर सकता है, अलर्ट रहिएगा। मकर राशि, आज शादीशुदा है तो जीवन साथी वरना अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ जिनके साथ दिन अच्छा गुजरता है आपका, उनके साथ आज ज्यादा रहे। बिजनेस में इनकम में इजाफा होगा जिसका मुख्य कारण आपके इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज होंगे। जो लोग ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, फैशन का बिजनेस करते हैं, हैंडीक्राफ्ट करते हैं, योगा क्लासेस चलाते हैं, ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, सलोन चलाते हैं या मोबाइल एसेसरीज का काम करते हैं, कोई भी प्रकार का सर्विस प्रोवाइडर है, उन लोगों के लिए दिन अच्छा है। नई टेक्नोलॉजी, नए मैन पावर से आपका काम आसान होगा। हर्षण और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से वर्क प्लेस पर आप अपने हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क से बहुत पब्लिसिटी क्रिएट कर पाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को मेहनत के साथ साथ आज भाग्य का भी साथ मिलेगा और नए मौके मिलेंगे। सोशल लेवल पर आपका एनर्जी लेवल आज शानदार रहेगा, एक्स्ट्रा और एडवांस में काम कर सकते हैं। फैमिली में पेरेंट्स का विशेष ख्याल रखिएगा क्योंकि उनके स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ हो रही है। उनके पास बैठिए जमीन पर, उन्हें ऊपर बिठाइए और पैर दबाइए, खूब सारी बातें करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कुछ बदलाव आज आपको देखने को मिल सकते हैं। किसी खास व्यक्ति के साथ यात्रा भी संभव है। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने असाइनमेंट टास्क एजेंडा को कंप्लीट करिए। कुंभ राशि, पुरानी किसी मानसिक और शारीरिक बीमारी में कमी या उससे छुटकारा भी मिल सकता है। बिजनेस में आपको इकोनॉमिक लेवल पर प्रॉफिट मिलेगा। बिजनेस पर्सन फॉरेन कंपनी के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं या दूसरी कंपनी के साथ, तो आज का दिन शुभ है। वर्क प्लेस पर निरंतर अभ्यास और प्रयास से सफलता आपको जरूर मिलेगी। एम्प्लॉयड पर्सन के काम धीमे ही सही लेकिन आगे चलते रहेंगे। आदत डाल दीजिए कि अपने आप को एक्टिव रखना है। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने व्यूज आइडियाज अपने स्किल के दम पर आप बेहतर दिन गुजार पाएंगे। परिवार में कुछ समस्या आ सकती है लेकिन आप मौन धारण करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ लॉयल रहिएगा, इसी से आपका दिन अच्छा रहेगा। आपकी आत्मिक शक्ति और स्वाभिमान ही आपको आगे रखेंगे। सर्वार्थ सिद्धि और हर्षण योग के बनने से सोशल लेवल पर आप छा जाएंगे। आज जो दिल चाहता है वही काम करिए। अचानक से यात्रा आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती है। मीन राशि की बात करते हैं। एक अच्छा स्टूडेंट बनना होगा। मीन राशि वाले लोगों को अपने काम में निखार लाने के लिए कुछ परिवर्तन करना, कुछ नया सीखना, पढ़ना और अपनाना होगा। नेटवर्क अपने बढ़ाइए, कॉन्ट्रैक्ट से कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। वर्थ है टाइम की, इसलिए समय का सदुपयोग करें। बिजनेस पर्सन को अपने वर्किंग एफिशिएंसी में थोड़ा बदलाव लाना चाहिए और वर्किंग कल्चर में बदलाव लाना चाहिए। जॉब चेंज करने के लिए जो लोग आतुर हैं आज अप्लाई करना चाहिए। जो आप में दमखम है आज उसे दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। टाइम वेस्ट मत करिएगा। एम्प्लॉयड पर्सन को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और मानसिक और शारीरिक रूप से आप स्फूर्तिदायक रहेंगे। सामाजिक स्तर पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बोले आप नहीं बोले, बेहतर प्रेजेंटेशन दिखाने का मौका मिलेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ पीस एंड हार्मनी, लव एंड अफेक्शन बढ़ेगा। फैमिली के साथ सुकून भरे पल बिताने हैं तो जल्दी फ्री हो जाए और परिवार को लेकर निकल पड़िए। मौसम भी शानदार है। आजीविका को बढ़ाने के लिए एक्टिव रहें और न्यू जनरेशन अपनी पढ़ाई और करियर के साथ साथ नई इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज टाइम वेस्ट मत करिएगा और इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज जो दिमाग में आए उसे अप्लाई करिएगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान। आत्मा कारक सूर्य और प्रेम के कारक शुक्र अगर दोनों साथ में 11th हाउस में हो तो व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होता है और साहसी होता है। अपने समाज, परिवार और अपने काम में वो प्रसिद्धि प्राप्त करता है। वो अपने स्वास्थ्य को लेकर विशेष ध्यान रखता है। मल्टीपल बिजनेस या जॉब करते हैं, मल्टीपल इनकम सोर्सेज जनरेट करते हैं। ऐसे लोगों की लव मैरिज ज्यादा होती है। लव मैरिज नहीं भी हो, मान लीजिए अरेंज मैरिज भी होती है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करवा देते हैं। पत्नी को सेहत को लेकर थोड़ी परेशानी होती है और ऐसे लोगों को पुत्र सुख जरूर मिलता है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, माता पिता गुरुजनों के चरण स्पर्श करें, अपने वजन के बराबर 7 प्रकार के दान लेकर गरीब जरूरतमंद लोगों में बांटने से हमें पुण्य मिलता है। आज के लिए इतना ही। प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं।
दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं सुरेश श्रीमाली, आ रहा हूं आपके शहर आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के लिए। बात चाहे जॉब की हो, बिजनेस की हो, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ की हो, समस्या शब्द है तो समाधान भी है। आपकी कुंडली का विश्लेषण करके निकालेंगे वो समाधान जो जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो आप मुझसे मिल सकते हैं 13 को बेंगलुरु, 14 को चेन्नई और हैदराबाद, 19 जुलाई को मुंबई, 20 जुलाई को नासिक, 26 जुलाई जयपुर, 27 जुलाई गुड़गांव गुरुग्राम, 28 जुलाई को काठमांडू और 3 और 4 अगस्त को मैं मिलूंगा सिंगापुर में। तो आइए हम दोनों मिलकर आपकी समस्या का समाधान खोजते हैं।